आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे कच्चे आम का मुरब्बा। ज्यादातर यूपी बिहार में इसी मेथड से कच्चे आम का मुरब्बा बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमित। खाने की खुशबू चैनल में आपका स्वागत है। अब तक आपने खाने की खुशबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए लेंगे हम सबसे पहले 2 कच्चे आम और उनको साफ पानी से धुलकर अच्छी तरह से छिल लेंगे। आम को छिलने के बाद हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और बची हुई गुठलियों को फेंक देंगे। ये देखिए इस तरह से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। इसके बाद मैंने लिया है 3 गुड़ के गोले और इसे अच्छी तरह से तोड़ दिया है ऐसे। अब मैंने लिया है 3 चम्मच पंचफोरन मसाला। यह बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगा। पंचफोरन मसाले को मैंने 2 भागों में कर लिया है। इसके बाद हम गैस पर तवा या कढ़ाई गरम करेंगे और उस पर आधे पंचफोरन मसाले को भून लेंगे। साथ में हम 1 चम्मच या आधी चम्मच खड़ी धनिया भी भून लेंगे। यह आपकी आवश्यकता के अनुसार हो सकता है। जब मसालों से महक आने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे मसाले भून चुके हैं। मसाले भून जाने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लें इस तरह से। इसके बाद हम कढ़ाई में 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद खड़ी धनिया के कुछ दाने और बचे हुए पंचफोरन मसाले का तड़का देंगे। इसके साथ ही हम कुछ सूखी लाल मिर्चें और लहसुन की कलियों को भी लेकर तड़का लगाएंगे। तड़के को हम चलाते रहेंगे ताकि जले ना। जैसे ही लहसुन की कलियां ब्राउन हो जाए उसमें हम कटे हुए आम के टुकड़ों को ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से तड़के के साथ भूनेंगे। तड़के में कच्चे आम के टुकड़ों को अच्छी तरह से चलाने के बाद गैस को कम कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद आम के टुकड़े नरम हो जाएंगे और ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगेंगे। जैसे ही ये थोड़ा और ज़्यादा ब्राउन हो जाए इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पानी 1 बड़ा गिलास लिया है। पानी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे और जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम गुड़ के टूटे हुए टुकड़ों को भी ऐड कर देंगे। गुड़ ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि गुड़ अच्छी तरह से पानी में मिल जाए। इसके बाद हम आँच को तेज कर देंगे। आँच तेज होने के बाद मुरब्बे में उबाल आने लगेगा। अब इसमें हम अपने स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा और उबल जाने के बाद इसमें 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद जो स्टार्टिंग में मैंने पंचफोरन और धनिया भूनकर पाउडर बनाया था उसे मुरब्बे में ऐड करेंगे। इसके बाद हम फिर से इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और उसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि मुरब्बा तैयार हो गया है कि नहीं। ये देखिए आम बिल्कुल गल चुका है या आसानी से दब जा रहा है, इसका मतलब मुरब्बा तैयार हो गया है। ये देखिए मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठंडा होने के बाद यह और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है। अब मुरब्बे को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। मुरब्बा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म खाएं या रोटी या पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।